Jai Hind and welcome to the channel. My name is Avinash Singh. I am an alumnus of National Defence Academy 141st course. I have been to SSB 6 times and I got recommended in my 5th and 6th attempt for NDA 141 and TES 40th course respectively. Through this channel, my aim is to guide the aspirants about SSB, about the process, and I also want to help them to improve their personality so that they are able to achieve their dream. साथ ही साथ इस चैनल पे मैं अपने एकेडमी की कुछ फॉन्ड मेमोरीज भी शेयर करूँगा आपके साथ एंड एज माई कोर्समेट्स आर इन सर्विस राइट नाउ सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द आर्मी लाइफ आई विल ट्राई टू गाइड यू अबाउट वॉट एक्चुअली हैपन्स वंस यू गेट कमीशन सो इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में जिसको वैट भी बोला जाता है ये टेस्ट आपके साइकोलॉजी डे टू पे होता है और अगर आप AFS भी जाते हैं जब भी आप किसी भी एयरफोर्स एंट्री के लिए जाते हैं तो आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट है वो डे वन पे ही करा दिया जाता है स्क्रीनिंग के बाद इट इज़ कंडक्टेड लेट इन द इवनिंग तो अभी बात करते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है इसके लिए कितना टाइम मिलता है कितने वर्ड्स आते हैं और इसके डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस टेस्ट में आपको टोटल 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं वन आफ्टर अनदर और ये वर्ड स्क्रीन पे रहते हैं सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए हालांकि आपको एसएसआर हमेशा ये बताते हैं कि वो वर्ड जो है स्क्रीन पे 15 सेकंड्स के लिए रहेगा बट जब आप ये टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वर्ड्स जो है बहुत ही जल्दी स्विच कर दिए जाते हैं और आप अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज़ ये है कि इस टेस्ट में आखिर करना क्या होता है जैसे सपोज आपको एक वर्ड दिखाया जाता है सक्सेस तो आपको एक सेंटेंस लिखना है इस वर्ड को यूज़ करके सक्सेस से आपके दिमाग में क्या सबसे पहली चीज़ सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करा आपको उसको कन्वे करना है इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस अब यहाँ पे वर्ड्स जो है उसको लिखने उसको एक सेंटेंस में यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कुछ लोग इससे जैसे हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है तो ये एक अच्छा सेंटेंस है इट इज़ एन ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस ये बताता है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड इन लाइफ तो एक तरह से ये मेरा ऑब्जर्वेशन है विद द वर्ड सक्सेस इन द सिमिलर वे अगर आपको वर्ड दिया जाता है लव सो यू आर सपोज टू राइट समथिंग वॉट यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ड इन योर लाइफ एंड थ्रू द सराउंडिंग अराउंड यू तो अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि आखिर ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस होता क्या है और उसे क्यों प्रेफर करा जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि SSB टेस्ट में बेसिकली आपके जो ओल क्यूज देखी जा रही हैं वो जानना ये चाहते हैं कि हाउ गुड यू आर इन ऑब्जर्वेशन हाउ रिसेप्टिव यू आर आप कितना सीखते हैं सराउंडिंग से कितना अवेयर रहते हैं और ये जो वर्ड्स के पीछे का जो लॉजिक है जो आप ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस लिखते हैं इससे आपका कैरेक्टर निकल के आता है आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है तो जैसे आपको मैं एक वर्ड देता हूँ स्टील एक वर्ड है ठीक है अब स्टील वर्ड में बहुत सा मिथ्स आपको लोग बताते हैं कि आपको जब भी नेगेटिव वर्ड मिलता है तो उसका ऑपोजिट लिख दो कुछ पॉजिटिव लिख दो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये कहीं भी मैंशन नहीं है SSB आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलती वो हमेशा आपको यही बोलते हैं कि जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है उस वर्ड को लेके आप उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके अपना थॉट को कन्वे कर दो नाउ अब अगर आप हर चीज़ को ऐसे निगेट करते रहोगे तो इसको लगेगा कि इससे समझ में ये आता है कि आप अवॉइड कर रहे हो या फिर आपने ऑब्जर्वेशन इतनी की ही नहीं हम सब एक सोसाइटी का पार्ट है और हमारी सोसाइटी में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उतनी ही बुराइयाँ भी हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दी सराउंडिंग और इसी से आपको हेल्प मिलती है SSB में अपने आप को पोर्ट्रे कर पाने में दैट हु यू आर एक्चुअली ठीक है तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर स्टील एक वर्ड है दोज हु स्टील डोंट हैव अ गुड कैरेक्टर ठीक है मैंने एक वर्ड यहाँ पे ये बनाया कि जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता वो लोग स्टील करते हैं ठीक है जैसे बेट्रेल है करेज अब बेट्रेल एक वर्ड है अब बेट्रे कौन करता है दोज हु लैक करेज मोरल करेज इमोशनल करेज दे आर बेट्रेल दे बेट्रे ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका वर्ड आता है स्टील बेट्रे तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो आप बता सकते हो कि जो भी लोग ये करते हैं दे डोंट हैव अ गुड कैरेक्टर दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर ठीक है दे आर वेरी सेल्फिश दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते वही लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप इस वे में भी अपने सेंटेंस को लिख सकते हो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जैसे एक वर्ड है फ्रेंड्स ठीक है अब आपको फ्रेंड्स का जो सेंटेंस बनाना है प्लीज़ रिमेंबर कि आपको वो सेंटेंस यूज इन सेंटेंस नहीं करना है जैसे आई हैव अ फ्रेंड आई हैव मैनी फ्रेंड्स या आई लाइक टू इंटरेक्ट विद माई फ्रेंड ये हो जाएगा यूज इन सेंटेंस ये तो एक थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा भी कर देगा बात वहाँ पर वो नहीं है वो चाहते हैं कि फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व क्या किया जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि फ्रेंड्स मेक लाइफ ईजियर वो हमें लाइफ को थोड़ा आसान बना देते हैं वेन एवर आई एम इन ट्रबल आई गो टू माई फ्रेंड आई टॉक टू देम आई फील गुड तो मेरी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना देते हैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इन द सिमिलर वे यू कैन राइट दैट फ्रेंड्स हेल्प्स टू ग्रो इन लाइफ लाइफ में हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं वो हमें गाइड करते हैं हमारे लिए खड़े होते हैं ठीक है कोई लेट्स से देयर इज अ पर्सन वो लिखता है कि फ्रेंड्स एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम
तो जब भी हमें ज़रूरत होती है किसी की, किसी खास की डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये सारे ऑब्जर्वेटरी हैं एंड दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू वंस यू गो टू SSB। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे वर्ड है मदर, ठीक है। सो मदर्स लव इज़ अनकंडीशनल। मदर से क्या क्या ऑब्जर्व करते हो यार, मदर इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस, ठीक है। मदर इज़ अ सेल्फलेस कैरेक्टर, उनको वो कभी भी अपनी परवाह नहीं करती हैं, वो हमेशा अपनी फैमिली, अपने बच्चों को अपने से आगे रखती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी VAT में अच्छा करने में। अब इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग से आपको ये चीज़ें डिलीट करनी है कि नेगेटिव वर्ड को हम ऑपोजिट बना के पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। एक्शन चाहिए, OLQs चाहिए, प्लानिंग वर्ड आए तो उसके साथ ऑर्गेनाइजिंग लगा देंगे, क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है OLQ होता है। डोंट डू दैट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। प्लानिंग वर्ड है तो आप यू लिख सकते हो प्लानिंग डिमांड्स एग्जीक्यूशन। सिर्फ प्लानिंग करने से क्या होगा, इट शोज दैट यू हैव ऑब्जर्व दैट प्लानिंग इज नॉट इनफ टू सक्सीड इन लाइफ, यू ऑल्सो नीड टू एग्जीक्यूट, यू ऑल्सो नीड टू टेक एक्शन ऑन योर प्लान, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल। तो ये चीज़ें आपको स्टैंड आउट करेंगी, और ये सारे आपके थॉट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ डोंट राइट दीज सेंटेंसेस एग्जैक्टली, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा मेरे से, तो आपको यही नहीं लिखना है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आपको करना क्या है एग्जैक्टली इस टेस्ट में एक्सेल करने के लिए, पहली चीज़ है आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक्स की रीडिंग में आपको ना मोस्टली ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस ही मिलते हैं, जो भी बुक्स हमें चीज़ें जो ऑथर बताना चाहता है वो उसकी सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही होती हैं। वो जो टिप्स देता है, वो जो भी हमें स्टोरी नरेट करता है, उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी सेंटेंसेस मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी वर्ड को लीजिए और शांति से 10 मिनट 15 मिनट सोचिए कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उस पर्टिकुलर वर्ड से, अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, और उससे आप 4-5 सेंटेंस बना दीजिए एक पर्टिकुलर नोटबुक में, क्योंकि अभी तो आप SSB जा नहीं रहे, यू हैव सम टाइम। सो मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन दी सेंटेंसेस, ठीक है। कोई एक वर्ड लिया, जैसे मैंने एक वर्ड लिया है फेलियर, तो मैं फेलियर से सोचता हूँ कि फेलियर शोज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन है फेलियर हेल्प्स टू ग्रो, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं ऐसे लिखते चले जाऊंगा। तो फेलियर पे मैंने 4-5 सेंटेंसेस लिख लिए। अब मैं कल को SSB जाता हूँ तो मुझे बस एक बार गो थ्रू करना है उस नोटबुक को, जिससे कि मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाऊँ। अब क्योंकि ये सेंटेंसेस मेरे खुद के हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इनको रिकॉल करके लिखने में। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो ऑब्जर्वेटरी हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप पे प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप हर बार ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस नहीं लिख पाओगे, कई कई सेंटेंसेस पे आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज़ ओके टू राइट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस दैट यू आर एबल टू राइट डाउन एट दैट टाइम। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस ही लिखो, बट जितना हो सके मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स है वो आपका ऑब्जर्वेटरी होना चाहिए, क्योंकि वही हेल्प करेगा एक साइकोलॉजिस्ट को जज करने में कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है एंड वॉट टाइप ऑफ पर्सन यू आर इन रियलिटी। इसके लिए जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत ही बेसिक वर्ड्स आते हैं SSB में, कोई बहुत टफ वोकैबुलरी वाले वर्ड्स नहीं आते, आपको उन बेसिक वर्ड्स के लिए बैठ के आराम से सोचना है। और एक हफ्ते में, बिलीव में, अगर आप डेली 15 मिनट से आधे घंटे बैठते हो हफ्ते 10 दिन, तो आप आराम से 200 वर्ड्स तक प्रिपेयर कर सकते हो। आप सोचो आप 200 वर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, आप SSB में जाते हो, तो उन 200 में से 60 में आराम से 40-45 वर्ड्स आपको वहीं मिल जाएंगे। और जो कुछ वर्ड्स हैं उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज़ ऑल राइट, ट्राई टू राइट एन ऑब्जर्वेटरी सेंटेंस। अगर आप नहीं भी लिख पाते तो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि SSB में कभी भी आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन एक माइनर से रिस्पॉन्स से नहीं जज किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 VAT मिस कर दिए तो आप रिकमेंड नहीं होगे, या फिर आपने 3-4 वर्ड में अच्छे से सेंटेंस नहीं लिख पाए तो आप रिकमेंड नहीं होगे, इनकम्प्लीट रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओवरऑल जजमेंट लिया जाता है, और एक पर्टिकुलर टेस्ट का एक पर्टिकुलर सा पार्ट बहुत ही मिनिमल इफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट्स को, बट अगर वहीं पे आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो वही छोटी छोटी चीज़ मिलकर आपको हेल्प करेंगी आपका प्लस साइन वाला चेस्ट नंबर अचीव करने में। सो आई होप यू लर्न समथिंग अबाउट दी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, एंड आई होप यू लर्न समथिंग। सो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा SSB एस्पिरेंट्स तक, उनको पहुँचाएं इस वीडियो को, सो दैट दे आर एबल टू लर्न। थैंक यू एंड जय हिंद।